हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपको क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर की एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा। वैसे इस ट्रिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन बहुत लोगों को ये ट्रिक यूज करने में परेशानी हो रही है, तो इस वीडियो में उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको 40,000 क्रेडिट कार्ड मनी बिल्कुल फ्री में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। और आप भी किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आने वाले हैं, अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू होने वाला है, तो आपके पास एक अच्छा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि इन सेल के दौरान आपको ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI बैंक के कार्ड पे काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स मिलने वाले हैं। तो इन तीनों में से एक कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर आप ये कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तो एक्सिस बैंक के माईजोन कार्ड पे आपको 1500 रुपए का कैशबैक भी मिल रहा है, साथ ही ये कार्ड भी आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, क्योंकि जनरली इस कार्ड के 500 रुपए फीस होती है ज्वाइनिंग और एनुअल फीस। इसके साथ SBI कार्ड भी अभी बड़ी आसानी से सबको मिल जा रहे हैं। आप SBI का सिंपली क्लिक कार्ड या SBI का कैशबैक कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही कार्ड बड़े ही जबरदस्त है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से आप अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रिक है भारत NXT की तरफ से। अब काफी लोग तो जानते ही होंगे भारत NXT क्या है और इसे किस तरह से यूज करना है, लेकिन बहुत से यूजर को भारत NXT यूज करने में परेशानी आ रही है, उनके कार्ड भारत NXT में ऐड नहीं हो रहे हैं, तो उन्हीं सब प्रॉब्लम का हल इस वीडियो में दिखेगा। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अनलिमिटेड बिल्कुल फ्री में भारत NXT से किस तरह से क्रेडिट कार्ड मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। दोस्तों, आप यह देखिए, मैंने 40,000 रुपीज कल बैंक अकाउंट में अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर इनिशिएट किया था और सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के भीतर ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। इसके अलावा देखिए, मुझे 150 NXT कैश पॉइंट्स मिले हैं और यहाँ पे 100 भारत NXT कैश पॉइंट्स मिले हैं, और इस 40,000 के ट्रांसफर पे मुझे 40 भारत NXT कैश मिले हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार भारत NXT को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी KYC करनी होगी। तो इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको भारत NXT पे साइन अप करने का फुल प्रोसेस समझ में आ जाएगा। साइन अप करके KYC करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं भारत NXT की होम स्क्रीन पे आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा SBI कार्ड यानी कि वन कार्ड ऑलरेडी एडेड है। वन कार्ड के अलावा मेरा RBL Zomato कार्ड यहाँ पे एडेड है। इसके साथ ही मैंने अपना ICICI का Amazon पे कार्ड भी एड किया हुआ है। बहुत लोग बोल रहे थे कि ICICI का Amazon पे कार्ड एड नहीं हो रहा है, तो आप कुछ गलती कर रहे हैं। देखिए, मेरा ICICI का Amazon पे कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। इसके अलावा मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड भी यहाँ एडेड है और मेरा SBI का सिंपली क्लिक कार्ड भी यहाँ पे एडेड है। आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों अपने IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज करके 40,000 रुपीज ट्रांसफर करूंगा। तो सबसे पहले चलिए IDFC बैंक के कार्ड को एड कर लेते हैं। तो मैंने एड कार्ड पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे अपने IDFC फर्स्ट बैंक के कार्ड की डिटेल्स यहाँ एंटर कर दी। डिटेल्स एंटर करने के बाद 1 रुपए हमारे IDFC फर्स्ट बैंक कार्ड से डिडक्ट होंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो देखिए, मैं IDFC फर्स्ट बैंक के बैंकिंग पेज पे आ गया। तो मैंने यहाँ पे 1 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे योर कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली एडेड। अब मैं अपने इस कार्ड से 40,000 रुपीज ट्रांसफर करूंगा। तो आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। मेरी वाइफ का ऑलरेडी बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक है, तो मैंने बैंक अकाउंट पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 40,000 रुपीज देखिए एंटर कर दिए। 40,000 एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, क्विक पे, क्लासिक पे। अब देखिए, 20 सितंबर 2022 को मैं करीब 8 बजे इस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे दिखा रहा है क्विक पे में रात को 10:30 बजे ही ये ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा और बैंक अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पे 1.99% का चार्ज लग रहा है, यानी कि नीचे आप देख सकते हैं 796 प्लस 143, 40,000 के ट्रांसफर पे 939 रुपीज का चार्ज लग रहा है। लेकिन मैंने अपने भारत NXT कैश को सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी वॉलेट में 30,911 भारत NXT कैश है। तो मैंने अपने भारत NXT कैश को सेलेक्ट किया, 939 रुपीज मेरे भारत NXT से डिडक्ट हो गए। तो अब यहाँ देखिए, मुझे केवल 40,000 रुपीज का पेमेंट अपने कार्ड से करना है और पूरा 40,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो दोस्तों, भारत NXT कैश आपको ज्यादा से ज्यादा कमाना है ताकि आपको किसी तरह का कोई चार्ज ना देना पड़े। उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप अपने भारत NXT अकाउंट से
अपनी रेफरल लिंक निकाल लीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग भारत एनएक्सटी अकाउंट बना लीजिए उस रेफरल लिंक से। तो जितने आप अकाउंट बनाएंगे, केवाईसी करेंगे, हर एक अकाउंट के केवाईसी पे आपको 100 भारत एनएक्सटी कैश मिलेंगे। तो समझ लिए, आपने अगर अपने 5 फैमिली मेंबर्स के अकाउंट बना लिए तो आपको 500 भारत एनएक्सटी कैश मिल गए। अब उन 5 अकाउंट से आप 5,000 रुपये का ट्रांसफर कर दीजिए अपने क्रेडिट कार्ड से, तो हर एक फर्स्ट ट्रांसफर पे आपको 150 करके भारत एनएक्सटी कैश अलग से मिलेंगे। तो उन्हीं 5 अकाउंट से अगर आप 5 बार 5,000 का ट्रांसफर कर देते हैं तो 750 भारत एनएक्सटी कैश आपको वहां पे मिल जाएंगे। कहने का मतलब है, हर एक रेफरल अकाउंट पे साइन अप करने पे और फर्स्ट ट्रांसफर करने पे आपको 250 भारत एनएक्सटी कैश मिलेंगे। तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा भारत एनएक्सटी कैश पॉइंट्स कमा सकते हैं और उनको यूज करके बिल्कुल फ्री में बैंक अकाउंट में अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे सेंड कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, 40,000 मैं सेंड कर रहा हूं और मुझे 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लग रहा है, केवल 28 पैसे लग रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने IDFC फर्स्ट बैंक के कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो देखिए, मैं 40,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ। एकदम नीचे आप देखिए एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है 20 सितंबर 2022 10:30 PM, यानी मात्र 2.5 घंटे के भीतर ये पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो मैं कंफर्म करके अपना CVV एंटर करके अपना IDFC बैंक का OTP एंटर करके इस पेमेंट को कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली इनिशिएटेड। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 40,000 का ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में चला गया है। अब दोस्तों, इसके ठीक 2.5 घंटे बाद यानी ठीक 10:30 बजे आप देखिए मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में भी आ चुके हैं और इसके बदले मुझे 40 भारत एनएक्सटी कैश मिले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को यूज करके भारत एनएक्सटी के थ्रू बिल्कुल फ्री में बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और यही नहीं, आप अपने किसी फैमिली मेंबर के भारत एनएक्सटी अकाउंट में अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जिस भी अकाउंट का KYC करेंगे, उस अकाउंट में किसी दूसरे के नाम का बैंक अकाउंट आपको लिंक करना होगा। जिसके नाम का वो अकाउंट है, उसी नाम के बैंक अकाउंट में आप पैसे नहीं सेंड कर सकते। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लाखों रुपए बिल्कुल फ्री में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहाँ मेरे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देखिए, मैंने कितनी बार 40,000, 30,000, 5,000, 10,000 करके ट्रांसफर किया और बिल्कुल फ्री में ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। तो ये एक जबरदस्त ट्रिक है। और अभी जहाँ न्यूज़ आई है कि ICICI बैंक ने रेंट पेमेंट पे 1% का चार्ज लगा दिया है, तो मुझे नहीं लगता ICICI बैंक के कार्ड से कोई रेंट पेमेंट करता भी होगा। तो आपको ICICI बैंक के कार्ड से रेंट पेमेंट नहीं करना है, वहां पे 1% का चार्ज लगेगा। आप बल्कि अमेजोन पे ICICI कार्ड को भारत एनएक्सटी के थ्रू यूज करिए, लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, आपको कोई चार्ज तो लगेगा ही नहीं, उल्टे आपको कैशबैक भी आपके अमेजोन पे ICICI कार्ड में मिलेगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को प्लीज एक लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।